सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। और उनके मन में इस प्रकार की धारा आई, इस प्रकार के मन में विचार आया कि इस अविकसित क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस प्रकार की बहुत बड़ी संस्था खोलकर बहुत बड़ा योगदान दिया। और आप लोगों को इसके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके लिए भी आप लोगों सभी धन्यवाद दे पाए। ये 36वां निर्माण दिवस है और ऐसा बताया गया कि इनका आगामी 4 दिसंबर 2019 को जयंती समारोह की थी। कई वक्ताओं ने अभी इस मंच से अपने मत व्यक्त किए और उनका यह कहकर कि अभी 4 दिसंबर को परम पूज्य स्वामी गोपालनंद जी महाराज की आज
दिवस है और उस निर्माण दिवस के अवसर पर मेरा भी सौभाग्य हुआ कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। और आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे भी अवसर मिला कि मैं स्वामी जी का नाम पहले सुनता रहता था और उनका किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज यहाँ पर देखने को मिला कि वास्तव में एक त्याग और तपस्या की मूर्ति थे, इसलिए ये मेरा मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर मिला। विद्यालय प्रबंध समिति ने जो आपसे बातें बताई हैं, तो क्या उनसे कब तक कार्य हो जाएगा? नहीं देखिए, क्योंकि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लगी है, मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा प्रयास जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना है और उसमें मैं खरा उतरूँगा और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्धित है कि उनकी आमदनी को दुगना करे, कृषि क्षेत्र में विकास हो, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।